अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एके ऑफिशियल में अली रज़ा रफ़ी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, पहले आप लोगों को मैंने पहाड़ों की सैर करवाई है, काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों की सैर करवाई है। तो आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं सखी सरवर दरबार पे। तो इंशाल्लाह बहुत से दरबारों की आपको ज़्यारत करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे मिलवाते हैं जो लोग ये बस लेके जा रहे हैं और बड़े पुरजोश हो गए, ये लोग मेला मनाते हैं सखी सरवर सरकार का। तो इंशाल्लाह मिलवाते हैं लोगों से, उधर जाके आपको दरबारों की ज़्यारत भी करवाएँगे, लोगों से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। ये तो व्यूवर्स, जो लोग लेके जा रहे हैं ये बस, माशाल्लाह उन्होंने भरपूर इंतज़ाम किया है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है बस में बैठे हैं। गैदरिंग के बहुत अच्छी है जी। तो उनसे बातचीत करते हैं बस के हवाले से कि कैसे वो लेके जा रहे हैं, कैसे उन्होंने मैनेजमेंट की है और कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे हम लोगों ने पहले ज़्यारत करनी है। तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं जड़ा वाला के, माशाल्लाह बड़े पुरजोश हो गए ये मेला मनाते हैं, तो क्या वजह है बताएँ? ये दिल की खो उन्होंने हर बंदे की ख्वाहिश होंगी है जी, सइयां दे जांदे अपने दिलों मंगता मांगते अपन पूरी करते ने जी जी, हर की मन्नत पूरी कर जाते ने, अपनी मन्नत मुक्ति मंग के फिर दोबारा जाते। कुछ सारे दोस्त असी भरा कट्ठे ही, कभी भी नहीं असी संगत सारे असी आपस ही भरा सारे कट्ठे होकर। अच्छा, तुहानू कितनी देर हो गई है बस लैके जाते या फिर दरबार से जाते हुए? दरबार से जाते सानू 7-8 साल हो गए ने। 7-8 साल हो गए ने। तो पहले किसे ना जाते सी कि अपने ही बस लेके जाते? वो भी अपने सी बस, थोड़ा कि उन्होंने थोड़ा कि मसला बनया तो है कि असी पहली दफ़ा आप ही दोस्त इकट्ठे उन्होंने छड़ के फिर असी आप ही इकट्ठे हो, यानी कि माशाल्लाह तुसी बस हुण आप ही मैनेज की सारी? आप सारा आप ही जी जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी। या दोस्त ही सारे अपने बैठे, कोई सवारी वाला कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं होवे, तो सारे आप ही कार कुर के सी जा रहे हैं जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है जी, जाना चाहिए बिल्कुल। दसो कि पहला जो दरबार होएगा जिथे ज़ियारत होएगी वो कौन सा दरबार है जी? वो शोरकोट असी पहला जी स्टाफ करांगे जी दरबार ते, ठीक है, ते हक बाऊ माई बाप दे, हक बाऊ माई बाप दे दरबार दे उते सलाम करांगे जी, ठीक है। उतो फिर असी जावांगे जी शाह शम्स सुल्तान ते तबरेज साहब दे, उते सुबह असी पहुंच जांगे इंशाल्लाह, सुबह नाश्ता नुश्ता करके फिर उतो अगे सखियां नु चल जांगे। सखियां चले जाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि जे तुसी एक एस्टीमेट लाइए ते किन्ने बजे आप पहुंच जावांगे उते सखी सरवर? सखी सरवर इंशाल्लाह जी बहुत जल्दी तो जल्दी असी इंशाल्लाह 5-6 बजे शाम असी पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे उठे 6 बजे इंशाल्लाह जी पहुंच जाएंगे जी जी इंशाल्लाह जी। तो व्यूअर्स 5-6 बजे हम वहां पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे भी जाके आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, व्यूज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको ज़्यारतें करवाएंगे। जो तो अभी जो टाइम हो गया हम निकले हैं तकरीबन 12:30 बजे निकले हैं और आधा घंटा हो गया हमें सफ़र में, जो तो हमारे साथ रहिएगा, बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, रात को हम पहुंचे हैं माई बाप, माई बाप जो हैं वो हैं जी हक बाहू के माई बाप हैं। तो जो उस दरबार की हकीकत है वो ये है कि अगर आपने हक बाहू पे सलाम करना है तो पहले आपको जाना पड़ेगा माई बाप, वहाँ पे आप हाज़िरी देंगे, उसके बाद आप जनाब हाज़िरी देंगे वहाँ पर हक बाहू। तो हक वहाँ पर से होके आए हम, तो इसके बाद जनाब अभी हम आ गए हैं, सुबह 7 बजे पहुँचे थे यहाँ मुल्तान, और मुल्तान आए हैं शाह शम्स तब्रेज़ में, यहाँ पे ज़्यारत की है माशाल्लाह, सलाम किया यहाँ पे। तो इसके बाद हम जाते हैं अभी किला में, किला में वहाँ पे 4-5 जो हैं दरबार वो इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके भी ज़्यारत करवाते हैं जो। तो अभी ये है कि अंदर कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं है, अगर इजाज़त होती तो हम लोग आपको अंदर के व्यूज़ भी दिखाते, वहाँ पर अंदर जाके आपको ज़्यारत करवाते, फिर भी कोशिश करते हैं अगर शायद ये आपको बाहर से दरबार दिखा सकते हैं जी। ये तो ये है शाह शम्स तब्रेज़ का दरबार,
हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आपको दिखा रहे हैं जी, मेरे स्टॉल से मैं अभी थोड़े बहुत शॉपिंग करने लगा हूँ। माशाल्लाह भांजा हुआ है, तो भांजे के लिए तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं क्या चीज़ हमें उसे पूरी आएगी, तो उस हिसाब से लेते हैं हम चीज़ें। तो फिर ये वाली जो छोटी सी ब्रेसलेट है ये मैंने परचेज़ की है, तो देखते हैं इसका क्या रेट है। और ये सर्वर के हैं जी, माई बाप है यहाँ पे मौजूद है, वो चेक जा रहे हैं, चल के आप लोग करवाते हैं इंशाल्लाह हमारे साथी। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह बड़ी हस्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जहाँ पे हम इंतजाम कर रहे हैं, ज्यारत कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं मेला माशाल्लाह सजा हुआ है। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे सफ़ी सरवर, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही रश होगा और बहुत ही वहाँ पे जो मेले वगैरह सजे हैं, लोग काफ़ी आए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे ये जो माई बाप है उनके यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आए हैं, हम अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जो माई बाप है सफ़ी सरवर के यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अंदर से भी इंशाल्लाह ज़्यारत करवाते हैं और बताते हैं जो इनकी करामात है। माशाल्लाह काफ़ी लोग माशाल्लाह ज़्यारत कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। मनाजर भी बाबा जी बुला रहे हैं। अच्छा इधर पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो खैर आपको दिखा दिए मैंने। मुश्किल कुशा सदका हजरत लाला माज सरकार, आप सरकार दे माई बाप हजरत सखी जनरल आगनी सरकार, बीबी आयशा आप सरकार दे बड़े भाई सरकार हजरत सखी सुल्तान महमूद शाह साहब रहमतुल्लाह सदका करके इस पूरे काफले दी पूरी संगत दी तमाम बुजुर्गों दी भाई साहबान दी बीबियां मां दी बच्चा दी सब दी इस्लामी कबूल मंजूर फरमा, आमीन। सब दी हाजरी कबूल मंजूर फरमा, आमीन। या अल्लाह तेरे वली दी बारगाह बड़ी दुरूद चल के मुसाफिर ने सब दे नेक इरादे पूरे फरमा, आमीन। नेक ख्वाहिशात पूरे फरमा, नेक हाजात पूरे फरमा, आमीन। या अल्लाह सब दियां परेशानियां हल फरमा, सब दियां मुश्किलां हल फरमा, आमीन। या अल्लाह सब दी रोजी च रिज़्क़ च बरकतां अता फरमा, आमीन। बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमा, आमीन। कारोबार च घर माल जान बरकतां अता फरमा, आमीन। मेरा अल्लाह जो भी औलाद ने उन्हां नूं हयातां ले बेटे अता फरमा, आमीन। हयातां ले वारिस अता फरमा, आमीन। या अल्लाह जो बीमार ने शिफाए कामला अता फरमा, आमीन। जो तंगदस्त ने तंगदस्ती दूर फरमा, आमीन। जो कर्जदार ने कर्जे तो खलासी अता फरमा, आमीन। जो बच्चों के रिश्ते के मामले परेशान ने मेरा अल्लाह बच्चों के मुकद्दर नसीब चंगे फरमा, रिश्ते अच्छे फरमा, आमीन। या अल्लाह जो पिछले संघ दे विच आए सी मेरा अल्लाह फौत हो गए ने उन्होंने जन्नत फिरदौस से आला मकाम अता फरमा, आमीन। या अल्लाह इस काफले दी पूरी संगत दी सब दी खैर फरमा, खैरियत दे नाल
अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा। आका आप सखी, आपका सखी दरबार है, कर दो नजर करम हम सब का बेड़ा पार है। लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी बाप फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं, घर आए उन्हें खाली मोड़ दे नहीं। इलाही तो आसा को नहीं मुश्किलात, तो फैले मोहम्मद अलैहि सलाम। इलाही खैर गर्दा नहीं, बहक के शाह जीला नहीं। इलाही बहक के बनी फातिमा, के बरकौले इमा कुनी खातमा। गर्दा व तमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तदा माने आले रसूल। नादे अली अब मजहर अलजाइबी, तजिद हु और अल्लाह का फिन नवाइबी। कुल्लु हम्मी मुगम्मिन सयंजली, बेअज़मत का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बिनबुव्वत का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिवलायत का या अली या अली या अली। अदरक नी फी सबीलिल्लाह, या इमाम या सुल्तान या बहादुर शेर जवान, करो सब दिया मुश्किल आसान। आप हो नूरुल आलमीन, या सखी ज़ैनुल आबिदीन, मंगते आपके दर से खाली नहीं जाते। आप हो सुल्तान सलातीन, आप हो सुल्तान सलातीन। आमीन 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 बिजाह नबी जलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नारा हकरी जय जवाहर। माशाल्लाह मौलवी साहब ने बड़ी प्यारी दुआ मांगी, और ये है कि बड़े खुश हो के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस दुआ ही बड़ी प्यारी मांगी। तो जो गलतियाँ कुताही हुई हैं हमसे, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, और जो हमारी हाजिरी वो कबूल मंजूर फरमाए। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं सखी सरवर, वहाँ पर भी जाके आप इंशाल्लाह ज़्यारत करवाएँगे, और इंशाल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ जाएँगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह उनसे भी बातचीत करवाएँगे हम।